मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक तारीखी शख्सियत को, टीटू मीर को जानते हैं? कौन था टीटू मीर? कौन था टीटू मीर? टीटू मीर हाफिज कुरान थे। टीटू मीर हाफिज कुरान थे, हज करने गए। जब वापिस आए टीटू मीर, तो जमींदारों ने मुसलमानों पर टैक्स लगा दिया कि जो दाढ़ी छोड़ेगा उस पर टैक्स। तो एक इलाका है नरकल बिराई बोलते ना, नारकल बिराई में टीटू मीर थे। तो टीटू मीर ने कहा कि हम जमींदारों को दाढ़ी छोड़ने पर टैक्स नहीं देंगे। तो टीटू मीर ने एक किला बनाया जिसको बंसर कला बोलते हैं, बंसर कला बोलते हैं। टीटू मीर ने बनाया और टीटू मीर ने उन जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था ना। आज असदुद्दीन ओवैसी आपको बोलने आया है कि आपको ना जिहाद करने की जरूरत है, ना हथियार उठाने की जरूरत है, आपको सिर्फ भारत के संविधान को समझकर अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत है। उस जमाने में जमींदार थे और अंग्रेज थे, वो तो जमींदार अंग्रेज चले गए, अब नए जमींदार आ गए। एक जमींदार टीएमसी, एक जमींदार मोदी, एक जमींदार कांग्रेस, एक जमींदार लेफ्ट, ये जमींदार बन चुके हैं और हम पर टैक्स लगा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आप, अगर आप नहीं लड़ेंगे अपने हक के लिए तो क्या कोई आसमान से आएगा या जमीन से निकलेगा? आपको अपने हक के लिए लड़ना है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, आपको अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ना है, आपको उनके लिए उनका हक संवारना है।